स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। और आप जानते ही होंगे अभी फिलहाल में एक न्यू सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पर। ये जो सीरीज है इसका नाम रे है। एक्चुअली ये जो रे नाम लिया गया है वो हमारे भारत रत्न सत्यजीत रे के नाम पर रखा गया है, जो कि एक इंडियन फिल्म मेकर, डायरेक्टर, ऑथर और एक स्क्रिप्ट राइटर भी थे। तो यार बेसिकली इस सीरीज के अंदर आपको 4 एपिसोड्स मिलेंगे जिसे हमारे सत्यजीत रे के द्वारा लिखी उन 4 बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज पर क्रिएट किया गया है। यार बिना ब्रह्मांड का ज्ञान पहले मैं आपको इस सीरीज की तरफ लेके चलता हूँ। छोड़ देता हूँ, ये जो रे सीरीज है एक इंडियन एंथोलॉजी वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पर। एंथोलॉजी वेब सीरीज का मतलब एक ऐसा कलेक्शन जिसका पहली क्रिएशन का दूसरे क्रिएशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। शुद्ध भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो इस सीरीज में आप 4 एपिसोड देखने वाले हैं जिसका एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं होता। डिफरेंट स्टोरीज हैं, डिफरेंट कैरेक्टर हैं। तो बेसिकली आप इस रे सीरीज में 4 शॉर्ट मूवीज को देखने वाले हैं जिसका पहला एपिसोड मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले एपिसोड फॉरगेट मी नॉट में मेन किरदार अली फजल ने निभाया है, जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का है जिनका नाम इप्सिट रमा नैयर होता है। ये एक ब्रिलियंट माइंडेड बंदा होता है जो कि एक छोटी से छोटी चीजों को भी याद रख पाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक से इसकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब ये एक ऐसे शख्स से मिलता है जिसके साथ उसने 7 दिन बिताए होते हैं पर उसे एक भी मोमेंट याद नहीं होता। तो कहानी की शुरुआत एक बार से होती है। यहाँ पर इप्सिट नैयर ऑलरेडी ड्रिंक कर रहे होते हैं और यहाँ पर एक लेडी दिखाई जाती है जो ड्रिंक करते करते अचानक से नैयर की तरफ देखती है और उसे पहचान लेती है। वो उसके पास जाती है और उसे बताती है कि किस तरह से उसने उसके साथ इतना अच्छा वक्त बिताया, जिसे सुनने के बाद एक्चुअली यहाँ पर इप्सिट नैयर को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो लेडी कौन होती है। वो सोचता है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हो रही है और वो किसी और शख्स से बात कर रही है। तो यहाँ पर वो उसे बताता भी है कि मैंने उसे नहीं पहचाना। तो ऐसे में वो लेडी भी सरप्राइज हो जाती है और उसे बताती है कि हमने ऑलरेडी उस होटल में 7 दिन बिताए थे जिसमें हमने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था एक साथ। तो यहाँ तक कि हम रात को वहाँ पर स्विमिंग पूल में नहाते भी थे और साथ ही साथ हम चॉकलेट खाया करते थे। तो ये सारी चीजें इप्सिट नैयर को समझ नहीं आ रही होती क्योंकि उसे चॉकलेट पसंद नहीं होती। यहाँ पर यार उस लेडी की इतनी बकवास सुनने के बाद वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, उसे डांट भी देता है, उसे जाने के लिए कहता है। तो ऐसे में वो लेडी उसे यकीन दिलाने के लिए बताती है कि हम अजंता कैव भी गए थे, वहाँ पर हम गुफाओं में हम वहाँ पर घूमे फिरे थे। और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि तुम्हारा 21 अगस्त बर्थडे था और आपकी एंगेजमेंट को पूरे 6 महीने हो चुके थे। तो ये सारी बातें सुनने के बाद उसे थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि वो आज तक कभी औरंगाबाद गया ही नहीं था, तो उसने 7 दिन कैसे बिता लिया? अगर 7 दिन बिताए होते तो उसे कुछ तो याद होता। तो यहाँ पर उसे लगता है कि शायद कोई पागल है और इसी तरह से उसका टाइम वेस्ट कर रही है। तो ऐसे में वो उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। वो लेडी जाते जाते अपना नंबर भी बताती है, वो उसे कहती है कि तुम्हारे फोन में ऑलरेडी मेरा नंबर सेव है केव गर्ल के नाम से। और वो जाते जाते उसे कॉल भी करती है और जब उसके पास कॉल आती है तो वो देखता है कि ऑलरेडी उसका नंबर सेव है। तो यहाँ पर उसे लगता है कि जरूर उसके साथ कोई प्रैंक किया जा रहा है। तो नैयर यहाँ पर इस बात को नजरअंदाज कर देता है और अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक्सरसाइज करके अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। तो जब लिफ्ट से जा रहा होता है तो अचानक से उसे सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, तो वह उससे उसकी माँ की हेल्थ के बारे में पूछने लगता है, जिसकी एक्चुअली माँ को कैंसर होता है। उसके कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए उसने सभी लोगों से डोनेशन लिया होता है जिसमें से एक इप्सिट नैयर भी होते हैं। आज का दिन इप्सिट नैयर के लिए काफी ज्यादा खास होता है क्योंकि आज एक बिजनेस मीटिंग भी होती है और साथ ही साथ उसकी वाइफ की डिलीवरी भी होती है। तो वो तैयार होकर सबसे पहले हॉस्पिटल में विजिट करता है जहाँ पर वो अपने बच्चे से मिलता है, एक बेबी चाइल्ड होती है वो, ठीक है। उससे मिलने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है, उसके बाद वो सीधे अपनी बिजनेस मीटिंग की तरफ जाता है जहाँ पर वो उस डील को डन करता है उनसे बातचीत करके। मीटिंग सक्सेसफुली खत्म होने के बाद यहाँ पर हमारी मुलाकात मैगी से होती है। मैगी उसकी सेक्रेटरी होती है। असल में वो यहाँ पर मेजरमेंट दे रहा होता है ताकि वो अपने अगले शो में एक अच्छा सा सूट पहनकर जा सके। तो यहाँ पर मैगी से वो शॉपिंग के लिए कहता है क्योंकि उसकी जो बेबी होती है तो उस बेबी के लिए कुछ कपड़े चाहिए होती है, तो उसके लिए उसे शॉपिंग करने के लिए जाना होता है। मैगी उसकी सेक्रेटरी होती है और सिर्फ सेक्रेटरी नहीं, उससे कहीं ज्यादा होती है। और इसी के बाद हमें यहाँ पर मुलाकात होती है इप्सिट नैयर के स्कूल फ्रेंड पैची से। असल में पैची अपनी पुरानी कंपनी में एज अ लिफ्टमैन वर्क करता था, लेकिन वहाँ से रिजाइन देने के बाद वो यहाँ पर उसने ज्वाइन किया होता है एज अ पियोन के लिए, यहाँ पर वर्क कर रहा होता है। इप्सिट नैयर पैची को कंग्रेचुलेशन बोलता है उसकी नई जॉब के लिए और उसके बाद वो मैगी के साथ शॉपिंग के लिए जाते हैं जहाँ पर वो बेबी के लिए कुछ कपड़े खरीद सके। तो इप्सिट नैयर अपनी बेबी चाइल्ड के लिए यहाँ से एक जोड़ी कपड़े ले लेता है और साथ ही साथ मैगी भी वहाँ से कुछ एक जोड़ी कपड़े लेती है और उन्हें स्मेल कर रही होती है क्योंकि उसे अपने बेबी की याद आ जाती है जिसका उसने अबॉर्शन करा दिया था। उसने अपने उस बेबी का नाम भी सोच रखा होता है और उसने उसका नाम रखा होता है मारिया। दूसरी तरफ इप्सिट नैयर की बेबी का नाम होता है अनन्या। ये दोनों ही इंडिविजुअली उन दोनों कपड़ों को पैक कराते हैं। तो यहाँ पर उसकी अबॉर्शन की क्या कहानी है ये भी आपको जल्दी आगे पता चलेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अवार्ड फंक्शन के शो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इप्सिट नैयर एज अ बेस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नॉमिनेट किए जाते हैं और साथ ही साथ उन्हें अवार्ड भी मिलता है, जिसके लिए वे लोगों को थैंक्स भी बोलते हैं और साथ ही साथ अपनी टीम को भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इप्सिट नैयर ने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी होती है एज अ पेरेंट बनने की खुशी में। और साथ ही साथ हमें यह भी दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा परेशान भी होता है। इस पार्टी में उसके सभी कलीग्स आए हुए होते हैं और साथ ही साथ उसके फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, जिसमें से एक उसका फ्रेंड पैची भी होता है जो उसका काफी अच्छा दोस्त होता है और इस वक्त उसकी कंपनी में वर्क भी कर रहा होता है एज ए पियोन के तौर पर। वो अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस भी कराता है, उसे बताता है कि वो उसका स्कूल फ्रेंड और काफी अच्छा दोस्त भी है। साथ ही साथ ये दोनों जाकर के बालकनी में एक दूसरे से बातें भी करते हैं जहाँ पर इप्सिट नैयर पैची से पूछता है कि क्या उसने कभी भी औरंगाबाद या फिर अजंता गुफा के बारे में कभी जिक्र किया है। तो ऐसे में उसे काफी ज्यादा सरप्राइजिंग निगाहों से देखता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं हम 7 दिनों के लिए गए हुए थे, 3 दिन हम रुके हुए थे, उसके बाद तुम्हें एक लड़की मिल गई और तुमने मुझे वहां से भगा दिया, उसके बाद तुमने पूरे 4 दिन तक उसके साथ रहे थे, तो तुम्हारा तो काफी ज्यादा बिल भी आया होगा पूरे एक हफ्ते। पैची से ये सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और काफी ज्यादा सोचने भी लगता है। उसके बाद वो अपने कलीग के पास जाता है गैरी के पास। गैरी सिर्फ उसका एक कलीग नहीं होता, उसका बचपन का दोस्त भी होता है जिसे उसने अपनी कंपनी में पार्टनरशिप देने का वादा किया होता है, लेकिन वो एक दूसरी बात है। वहाँ पर वो गैरी से जब पूछता है कि क्या मैं कभी औरंगाबाद गया था या फिर कभी मैंने अजंता गुफाओं के बारे में तुम्हें कुछ जिक्र किया था, तो वो उससे कहता है कि तुम पूरे एक हफ्ते के लिए हॉलीडे पे गए हुए थे। तो ये सुनने के बाद वो थोड़ा सा चौंक जाता है। तो यहाँ पर गैरी भी सरप्राइज हो जाता है, उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं है, चलो मैं तुम्हें रिकॉर्ड ला के दे देता हूँ। इसके बाद वो जाता है और बाकी के कलीग्स को ये सब बातें बता देता है। तो ऐसे में जो हमारे इप्सिट नैयर का पार्टनर होता है वो वहाँ पर एक मीटिंग फिक्स करते हैं जहाँ पर इप्सिट नैयर को बुलाया जाता है और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तुम काफी दिनों से काफी ज्यादा थके थके भी लगने लगे हो और तुम्हें ये भी याद नहीं है कि तुम हॉलीडे पर गए हुए थे। तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है इप्सिट नैयर से, वो नहीं चाहता था कि ये बातें सबको पता चले। तो यहाँ पर उसका जो पार्टनर होता है वो उससे कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर वो गैरी से ये सब बातें सुनने के बाद और साथ ही साथ अपने और भी कलीग्स और अपने पार्टनर से ये सारी बातें जानने के बाद वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वह जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे लगता है कि वो सच में चीज़ों को भूल गया है या फिर वो कभी गया ही नहीं।
उसे ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी फैमिली के साथ एक मूवी देखने गया हुआ होता है, जहाँ से वो पॉपकॉर्न लेने के लिए जाता है, और क्योंकि उसके हाथ में उसकी बेबी होती है इसलिए उसके पास पकड़ने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो अपनी बेबी को एक टेबल पर रख देता है और उस पॉपकॉर्न को लेकर के अंदर चला जाता है और अपनी बेबी को वहीं पर भूल जाता है। तो जब वो अंदर पहुंचता है तो जब उसकी वाइफ उसे याद दिलाती है उसकी पॉपकॉर्न अपनी बेबी की जगह पॉपकॉर्न देखती है तो वो उसे याद दिलाती है। उसके बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और बाहर निकल के वो चारों तरफ ढूंढने लगता है। उसके बाद वो वॉशरूम में जाता है और एक एक करके दरवाजे खोलता है और सबसे लास्ट का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसकी बेबी एक लड़की की गोद में बैठी हुई होती है, जो सीन काफी ज्यादा डरावना भी होता है। और इसके बाद स्मित नैयर की आंख खुल जाती है क्योंकि वो एक बुरा सपना होता है। आंख खुलने के बाद वो सीधा अपनी अनन्या बेबी को ढूंढने लगता है और जैसे ही वो अपनी बेबी को ढूंढता है तो वो एक मेड के हाथों में होती है क्योंकि वो जाग गई होती है। तो वो जाता है उसे गोद में ले लेता है और काफी तब जाकर के कहीं वो शांत होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक कार में जा रहा होता है और अचानक से उसकी कार बीच रोड पर रुक जाती है, जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा जाम लग जाता है क्योंकि वो शायद उसमें पेट्रोल डालना भूल जाता है, इसलिए वो गैरी को बुलाता है और वो उसमें पेट्रोल डालता है, तब जाके वो गाड़ी स्टार्ट हो पाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक साइकेट्रिक के पास विजिट करता है, वो उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है कि वो किस तरह से नंबर्स और लोगों को भूलने लगा है और साथ ही साथ वो गाड़ी में तेल डलवाना भी भूल जाता है। तो इस तरह की जब वो प्रॉब्लम बताता है तो वो साइकेट्रिक उसे बताती है कि ज्यादा टेंशन या फिर फाइनेंशियल टेंशन की वजह से भी ऐसा हो जाता है, तो तुम्हें सिर्फ रेस्ट की जरूरत है क्योंकि तुम्हें अच्छे से नींद भी नहीं आ रही होगी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। उसके बाद साइकेट्रिक उसे सलाह देती है कि अगर तुम्हें औरंगाबाद या फिर अजंता गुफा के बारे में कुछ भी याद नहीं आ पा रहा है तो एक बार उस जगह पर विजिट करो, हो सकता है कि तुम्हें चीज़ें याद आने लगें। तो इसके बाद वो थोड़ा सा किलस जाता है और वह उसे डांट देता है ये कहकर कि जिस जगह पर मैं कभी गया ही नहीं हूँ तो उसके बारे में मुझे कोई चीज़ कैसे याद आ सकती है। असल में वो सही कह रहा था क्योंकि वो कभी ऐसी जगह पर गया ही नहीं होता है और ना ही कभी वो उस लेडी से मिला होता है। पता नहीं क्यों लोग उसे ये सब बातें कह रहे थे, वो इन सब बातों को सोच करके काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और इन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच के बहुत ज्यादा डिप्रेस भी हो गया था। तो इसके बाद उसे याद आता है कि उसके पास एक कैमरा भी होता है जिसमें वो सारी फोटोज क्लिक करके रखता है ताकि वो बाद में उन्हें देख सके। तो वो गैरी को कॉल करता है ताकि गैरी उसके कैमरे से वो फोटोज लेकर के उसको व्हाट्सएप पर सेंड कर सके ताकि वो उन सारी फोटोज को चेक कर सके कि उसमें कोई भी उस लेडी के साथ की फोटो है या नहीं। इन सब चीज़ों के दौरान वो असल में ड्राइविंग कर रहा होता है और अचानक से उसको फोटो भी रिसीव हो जाती है, तो वो उसमें फोटोज चेक करने लगता है। वो जैसे ही फोटोज चेक करता है तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और हैरान हो जाता है कि ये सारी चीज़ें सच हैं, क्योंकि वो उसमें अपने साथ साथ उस लेडी की भी फोटो पाता है। उस लेडी के साथ खुद की फोटो देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, उसके साथ साथ वो अजंता गुफाएं की फोटो भी मिलती है उसमें। तो इन सब चीज़ों के बाद वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसको ये ध्यान ही नहीं होता है कि वो ड्राइविंग कर रहा होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। गजब उठता है तो सामने अपनी वाइफ और अपने दोस्त पार्टनर को भी पाता है। उसके बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा बोलने की इजाज़त नहीं है इसलिए अभी तुम रेस्ट करो। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर स्मित नैयर ने अपनी सेक्रेटरी मैगी को भी बुलाया हुआ होता है, इसलिए वो वहाँ पर पहुंच जाती है और वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ बात है, तुम उससे कुछ बात करना चाहते थे। वो उससे कहता है कि ये जो अजंता गुफा वाली और औरंगाबाद वाली जो ये कहानी है तुम कह दो कि ये झूठ है, क्योंकि उस वक्त मैं पूरी रात तुम्हारे साथ था, तुम्हें याद होगा तुम उस वक्त प्रेग्नेंट भी हो गई थी और तुम्हें मेरी वजह से अपना बच्चा भी गिराना पड़ा था। तो वो उससे कहती है कि प्लीज़ उस बात को मत उखाड़ो, मैं उस बात को भूल चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैगी उससे कहती है कि तुम उस वक्त मुंबई में नहीं थे, हमारा प्लान था मिलने का बट तुम मिले नहीं थे, तुम वापस चले गए थे क्योंकि तुम औरंगाबाद में थे इसलिए हम नहीं मिल पाए थे। तो यहाँ पर वो पागल होने लगता है, वो उससे कहता है कि नहीं ये झूठ है क्योंकि मुझे जब इतनी पुरानी बात याद है तो मुझे वो बात क्यों याद नहीं है। तो इस बारे में मैगी कहती है ये मैं नहीं जानती और प्लीज़ अब दोबारा से इस बात को मत उखाड़ना क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैंने तुम्हारी वजह से पूरे 4 महीने तक वेट किया अपनी प्रेगनेंसी का ताकि तुम उसे एक्सेप्ट कर सको और तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी को खो दिया, मुझे अबॉर्शन कराना पड़ा। पीछे से उसकी वाइफ ये सारी बातें सुन लेती है। जैसी मैगी जाती है तो जैसी पर्दा हटाती है वहाँ पर देखती है कि उसकी वाइफ खड़ी होती है, उसने ये सारी बातें सुन ली होती है। उसकी वाइफ को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, उसको पता चल जाता है कि उसने उसको धोखा दिया है, पर उसकी वाइफ उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। होने के बाद वो अपने रूम की तरफ जाता है, अपनी उस बिल्डिंग में जाकर के 7th फ्लोर पर जाता है तो पता चलता है कि वो किसी और के रूम में पहुंच जाता है। तो वहाँ से वो वापस लौटता है, गार्ड से पूछता है तो गार्ड उसे बताता है कि सर आपका रूम 7th फ्लोर पर विंग ए में है, नॉट ए विंग बी में। इसके बाद वो जब विंग ए में जाता है तो वहाँ पर वो पुराना सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जो जिसने अपनी माँ के ट्रीटमेंट के लिए पैसे लिए थे। तो वह उसे रोकता है, उससे कहता है कि सर आपके पैसे जो मैंने आपसे लिए थे अपनी माँ के इलाज के लिए, तो वह उसे 5,500 रुपये देता है। तो यहाँ पर हमारा स्मित नैयर उससे कहता है कि मैंने इतने सारे पैसे नहीं दिए थे, मैंने थोड़े से दिए थे। तो वो उससे कहता है कि नहीं सर आपने इतने ही पैसे दिए थे क्योंकि लोग भूल जाते हैं अक्सर, इसलिए मैंने जिस जिससे पैसे लिए थे वो सारे लिख रखे हैं, आप चाहे तो देख लीजिए आपने इतने ही दिए थे। तो इसके बाद वो पैसे लेकर के चला जाता है, अपने रूम के बाहर बैठकर रोने लगता है इस बात को सोचकर कि वो कितनी सारी चीज़ें भूलने लगा है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। चेंज होता है और हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि स्मित नैयर अपने पार्टनर के साथ एक होटल में मीटिंग के लिए जाता है। तो जहाँ पर वो पूल के किनारे पर मीटिंग के लिए बैठे होते हैं अपने क्लाइंट से मिलने के बाद वो देखता है कि जस्ट उनके पीछे ही वो लेडी भी बैठी हुई होती है जो उसे बताती है जिसके साथ उसने पूरे 1 हफ्ते बिताए थे पर उसे कुछ भी याद नहीं होता। अब उसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और क्लाइंट द्वारा कही जाने वाली किसी भी बात पर उसका ध्यान नहीं होता। वो वहाँ से खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद जाता है और उस लेडी के बगल में जाकर बैठ जाता है, उससे बात करने लगता है, कहने लगता है कि मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ 1 हफ्ता बिताया था। तो यहाँ पर वो लेडी शॉक हो जाती है, उसे कहती है कि चलो मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया लेकिन मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ तो क्या हम बाद में बात करें। लेकिन वो इन सब चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है कि वो उसे काफी ज़्यादा बुरा वाला कहने लगता है, उससे कहता है कि मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा, तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो। बट यहाँ पर ये सब मीटिंग खराब हो रही थी तो इस चक्कर में वो उसको डांटती है और यहाँ पर काफी ज्यादा झगड़ा हो जाता है, उसके क्लाइंट पे हाथ छोड़ देता है। जब चीज़ें हाथ से निकलने लगती है तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं और वो इतना ज्यादा डिप्रेस होता है कि वो उन सब चीज़ों को सोच सोच करके वहाँ पर रोने लग जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि वो औरंगाबाद के लिए एक बस पकड़ता है, उस बस में जाकर के सीधा उस होटल पहुंचता है और उस 302 के लिए रूम बुक करता है। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे पहचान लेती है और उसको उसके 302 रूम के लिए की भी देती है और साथ ही साथ उसका पिछला बिल भी उसे पकड़ाती है। तो ये देख करके वो काफी शॉक होता है, उसे इन सब चीज़ों पर फिर यकीन होने लगता है कि हाँ वो सच में अपनी याददाश्त खो चुका है। उसके बाद जब वो अपने रूम में जाता है तो रूम के सामने स्विमिंग पूल भी होता है जैसे कि उस लेडी ने बताया था और वो सारी चीज़ें इमेजिन करने लगता है, उसका दिमाग उसे क्रिएट करके उसको सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाने लगता है। इसके बाद वो स्विमिंग पूल में भी जाता है तो जहाँ पर वो देखते हैं कि वो लेडी उसे चॉकलेट खिला रही होती है, वो चॉकलेट खा भी रहा होता है जो उसे पसंद भी नहीं होती है, वो वहाँ पर रोमांस कर रहे होते हैं। उसके बाद वो फिर वहाँ से जाता है, इसके बाद वो अजंता गुफा भी जाता है। असल में वहाँ पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा डिप्रेस, उसके दिमाग पर इतना ज्यादा असर पड़ता है कि वो सारी चीज़ें क्रिएट
रिलेट होने लगती हैं और वो सारी चीज़ें उसको वहाँ पर दिखाई देने लगती हैं कि वो किस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ पर घूम रहे हैं, उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद वो उनका पीछा भी करता है, उसके बाद एक जगह जाकर के बैठ जाता है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें उसे दिखाई दे रही होती हैं। इन सब चीज़ों को सोच करके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और अपनी ही आपको देख करके हंसता है और हंसता ही रह जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है और वो पागल हो जाता है पूरी तरह से। वो बस बैठ करके अपना नाम और कुछ नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट करके दोहराने लगता था कि वो उन सब चीज़ों को भूलेना, क्योंकि वो पागल हो चुका था तो वो बार बार बस उन्हीं चीज़ों को रिपीट किया जा रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मेंटल हॉस्पिटल में होता है और मैगी उसको खाना खिला रही होती है। तो यहाँ पर हमें पूरी फिल्म का प्लॉट समझ में आता है कि असल में उसके साथ हुआ क्या था और वो असल में कभी भी किसी भी तरह के टूर पर गया ही नहीं था और ना ही कभी औरंगाबाद गया था। ये सारी एक सोची समझी प्लानिंग थी उसके खिलाफ। स्पीत नैयर एक बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बंदा भेज सकता, लेकिन उसी के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा घमंडी और एक सेल्फिश बंदा भी था जिसे दूसरे की फीलिंग की कोई परवाह नहीं होती थी। वो कभी भी किसी को भी हर्ट कर देता और उसको ये बात पता तक नहीं होती थी। वो ये सोचता ही नहीं था कि सामने वाले को कितना ज़्यादा हर्ट हो सकता है और उसे कितना ज़्यादा बुरा लग सकता है। यहाँ पर मैगी खुलासा करती है कि इस साजिश में वो सभी लोग शामिल थे जो उसके साथ अटैच थे, जैसे कि मैगी खुद शामिल थी और उसी के साथ साथ उसका पार्टनर और उसका एम्प्लॉई गैरी भी इस प्लान में शामिल होता है और साथ ही साथ वो वॉचमैन भी होता है, उसका दोस्त जिसे उसने अपने यहाँ पर पियोन की जॉब के लिए रेफर किया था। और वो ये भी खुलासा करती है कि जो लेडी उसे मिलती है और जो वही सब बातें बताती है कि उसने ये सारे एक पूरे एक हफ्ते का वक्त उसके साथ बिताया, वो असल में उसी की बहन होती है, मैगी की ही बहन होती है वो। मैगी उसे कहती है कि उसके साथ फिजिकल होने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको वो ये बात बताती भी है, बट वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। वो ये सोचती है कि शायद स्पीत इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा और वो उसके लिए वेट भी करती है। वो पूरे 4 महीने तक अपने बेबी का वेट करती है कि शायद वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन 4 महीने में एक बेबी की हार्ट बीट भी आ जाती है जिसके बाद वो उसे गिराने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। बट क्योंकि स्पीत नैयर को बिल्कुल भी फीलिंग्स की कदर नहीं होती है, उसे ना ही बिल्कुल भी गिल्ट होता है, उसकी वजह से उसको उसके गिराना पड़ता है, जिस बात का उसे बहुत ज़्यादा दुख भी होता है बट वो किसी से बयां नहीं कर सकती थी। क्योंकि स्पीत ने सबके साथ कुछ ना कुछ गलत किया होता है, इसलिए यहाँ पर मैगी उसे फिर लिफ्ट में लेके जाती है ताकि यहाँ पर कहानी के बारे में सब कुछ जान सके कि किस तरह से उसने किसके साथ क्या गलत किया था। तो जब वो लिफ्ट में लेके जाती है तो हमें पता चलता है कि पैची जो होता है वो अपनी पुरानी कंपनी में एज ए लिफ्टमैन के तौर पर काम कर रहा होता है, जहाँ पर उसका दोस्त मिलता है उसे स्पीत, और स्पीत उसे मिलने के बाद उसे अपने सबसे खास दोस्त अपने बचपन के दोस्त से मिलने के बाद वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से जॉब छोड़ दो और मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक बढ़िया जॉब ऑफर करूँगा। क्योंकि पैची एक क्वालिफाइड बंदा था तो उसने सोचा कि शायद वो अपनी कंपनी में एज ए डाटा एनालिस्ट की जॉब उसे रेफर करेगा, बट वो जब उसके ऑफिस पहुंचता है इंटरव्यू के लिए तो बस उसे पता चलता है कि स्पीत ने उसे एज ए पियोन के लिए रेफर किया होता है। तो वहाँ पर उसका इंटरव्यू भी नहीं लिया जाता और डायरेक्ट उसको एज ए पियोन की जॉब ऑफर कर दी जाती है। ये सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसका बचपन का दोस्त, इतना खास दोस्त जो होता है, वो उसके साथ ऐसा बिहेव करता है। तो यहाँ पर मैगी उससे कहती भी है कि तुम इतनी रूड कैसे हो सकते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसे गैरी के पास लेके जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि गैरी के साथ उसने क्या किया था। गैरी भी उसका एक बचपन का दोस्त ही होता है जिसे उसने वादा किया होता है कि वो उसे एज ए पार्टनरशिप मैगी उसे गैरी के पास लेके जाती है, जहाँ पर वो उसे याद दिलाती है कि तुमने गैरी को वादा किया होता है, वो तुम्हारा बचपन का दोस्त होता है, जब तुमने कंपनी स्टार्ट की होती है तो तुम उसे वादा करते हो कि तुम उसे पार्टनरशिप दोगे, बट तुमने सिर्फ उसे एज ए एम्प्लॉय बनाकर छोड़ दिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गैरी उसकी गाड़ी की चाबियां उसके पास रहती थी, इसलिए गैरी उसके गाड़ी से पेट्रोल निकाल लिया करता था ताकि उसकी गाड़ी बीच में बंद हो जाए और उसे लगे कि वो तेल डलवाना भूल जाता है, तो ये सारी सीन क्रिएट हो सके। इसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस कैमरे में जो वो फोटोज जो चेक करता है वो असल में एडिट की गई होती है गैरी के द्वारा, क्योंकि उसके पास सारे पासवर्ड होते हैं उसके, तो उस कैमरे में उस लेडी के साथ वो फोटोज एडिट करता है ताकि वो सब चीज़ों पर भरोसा कर सके। इसके बाद मैगी उसे उसके पार्टनर के पास लेके जाती है जिसके साथ मिलकर के इन दोनों ने पूरी की पूरी कंपनी खड़ी की हुई होती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्पीत ने अपने पार्टनर के साथ ऐसा क्या किया होता है कि जिसकी वजह से वो मैगी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके पार्टनर के पास एक कॉल आती है क्लाइंट के जरिए, जहाँ पर वो उसे उस कंपनी से निकालने की बात करते हैं। वो उसे कहते हैं कि हमें स्पीत के द्वारा पता चला है कि तुम बिल्कुल भी इस कंपनी के लिए प्रोडक्टिव नहीं हो और ना ही इस कंपनी के लिए किसी तरह का कोई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी जितना भी काम होता है वो सारा स्पीत संभाल लेता है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद जब उसे पता चलता है कि स्पीत ने उसके खिलाफ ये सारी चीज़ें उससे कही गई थी और वो उसे इस कंपनी से निकालने का प्लान बना रहा था, तो ये सारी बातें सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होता है, वो सब समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके खिलाफ कैसे उसके खिलाफ इस तरह की प्लानिंग कैसे कर सकता है जिसे वो अपना भाई मानता है, जिसके साथ मिलकर के उसने पूरी की पूरी कंपनी खड़ी की, अपनी पूरी मेहनत करी है उसके लिए, वो उसे एक झटके में वहाँ से निकाल देना चाहता है। तो ये सारी बातें जानने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है, वो समझ जाता है कि इसको किसी की परवाह नहीं है, उसे सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है, खुद के प्रॉफिट से मतलब है, इसलिए ये हर्ट हो जाता है और उसके साथ मैगी के साथ प्लानिंग के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद मैगी उसे उस सिक्योरिटी गार्ड के पास लेके जाती है। मैगी बताती है कि सिक्योरिटी गार्ड की माँ बीमार होती है कैंसर की वजह से, उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे काफ़ी पैसा चाहिए होता है, जिसके लिए वो सभी से पैसा मांगता है एज ए डोनेशन, और सभी लोग उसे डोनेशन के तौर पर पैसे देते भी ताकि उसकी हेल्प हो सके। और यहाँ पर दूसरी तरफ स्पीत होता है जो उसे पैसा देता है डोनेशन समझकर नहीं बल्कि एज ए लोन समझकर, और वो उससे हर महीने टोकता भी था पैसे के लिए कि वो उसका पैसा कब वापस करेगा। तो इस वजह से भी कुछ सिक्योरिटी गार्ड उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और वो सोचता है कि यार इतना पैसा होने के बावजूद क्या फायदा, वो किसी की हेल्प नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और इसीलिए वो मैगी के प्लानिंग के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह हमें पता चलता है कि जिस तरह से इसका बिहेवियर होता है, एक रूड बिहेवियर और किसी की फीलिंग्स की परवाह ना करने की वजह से, ये सभी लोग हर्ट होते हैं और इस प्लानिंग के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि वो उसको पागल कर सकें। असल में उसे पागल करना नहीं चाहते थे, वो बाद में बताना भी चाहते थे, बट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, वो ऑलरेडी पागल हो चुका था, जिसके लिए मैगी उसे सॉरी भी बोलती है, बट कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो कुछ भी सोचने समझने लायक नहीं होता है, और वो उसे ले जाकर के उसके पागल खाने वाले सेल में छोड़ देती है। तो यार एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लंबी हो गई, बट इसके बाद हमें सिर्फ इतना दिखाया जाता है कि यहाँ पर मैगी बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है अपनी बेटी को, तो वो वहाँ पर उसे संभालती है। तो कहानी में बस इतना दिखाया गया कि स्पीत को सबसे ज्यादा अपनी सबसे प्यारी चीज़ पर घमंड होता है अपने दिमाग पर, असल में वो एंड में उसको ही खो बैठता है, अपने सबसे प्यारी चीज़ अपना दिमाग वो उसी का संतुलन को बैठता है और पागल हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता। तो यहाँ पर कहानी का जो शीर्षक होता है वो फॉरगेट मी नॉट होता है। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी की पूरी स्टोरी एंडिंग के साथ समझ आई होगी और इसी वजह से इस एपिसोड का नाम फॉरगेट मी नॉट होता है।